السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يقره المنع والجمود ولا يقضيه الإعطاء والجود كل موت منتقص سواه وكل مانع مذموم ما قلاه هو المنان بفوائد النعم وعوائد المزيد والقسم ما اختلف عليه دهر فيختلف منه الحال ولا كان في مكان فيجوز عليه الانتقال جلت عظمته والصلاة والسلام على سيد أسلم ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود أبي القاسم أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم يقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب آج جبکہ آپ حضرت حسین ابن علی صلوات اللہ جشن ولادت منانے کے لیے یہاں جمع ہیں. سب سے پہلے یہ امر آپ پر اور آپ کے ذریعے سے ہر پوچھنے والے پر واضح ہو جائے کہ جلوہائے ختمی مرتبت کے لیے مختلف امکنا ہیں، مختلف مقامات ہیں اور اس کے مختلف محل جہاں سے ختمی مرتبت کی ذات گرامی جلوہ کرے اور ان میں ایک منزل وہ ہے کہ جہاں سے ذات خاتم نے ایک خاص شان سے جلوہ کیا ہے اور وہ منزل منزل حسین ابن علی صلوات اللہ. یعنی اب اگر اس محفل میں حسین ابن علی کی تعریف کی جائے تو وہ صحیح معنی میں تعریف ہے احمد مصطفیٰ محمد یہ ایک پیغام ہے ملت کے لیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ زعماء ملت نے اور علماء ملت نے
बहुत पहले से ये सोच रखा है कि जब कभी मिल्लत पर कोई वक्त आए तो उस आफत को, उस मुसीबत को बचाने के लिए फिर वही अज़्म हुसैनियत चाहिए। फिर वही अज़्म हुसैनियत चाहिए। अज़्म हुसैनियत में आपको कई पहलू नजर आएंगे, जहां शुजाअत भी है, जहां सब्र भी है, जहां हिल्म भी है, जहां अता भी है, जहां पर्दापोशी भी है और जहां ईसारो फदवियत का कमाल है कि अगर मिल्लत सही माना में अपने मुश्किलात को आज तय करना चाहे, आज तय करना चाहे और ये जानती हुई कि उसकी हिमायत में शायद चंद ही आदमी खड़े हों और ये जानते हुए कि मुमकिन है कि उसकी नुसरत के लिए अवाम जमा न हो, इसके बावजूद वो चंद नफूस अगर तहलील पा जाए मिजाज हक में, अगर तहलील पा जाए मिजाज हक में तो वो चंद नफूस लाखों और करोड़ों पर भारी हैं और इस तरह से भारी हैं कि फिर उनका तस्करा कयामत तक रहेगा। तकरीर सियासी नहीं है मगर तमहीद में हालात हाजरा को देखते हुए ये अर्ज कर देना जरूरी है कि अगर आज सारी दुनिया कुफर की मिल्लत वाहिदा बनकर हमको परेशान करना चाहे और अगर हम मुत्तहिद होकर ये आज़म कर लें कि अब कोई इलाज नहीं है बजुल हुसैनियत के, अब कोई इलाज नहीं है बजुल हुसैनियत के तो फिर यकीनन फतह आप ही के लिए है और यकीनन दुनिया आपके अज़्म को मान लेगी और तस्लीम कर लेगी कि आपने हक के लिए क़याम किया है और इस क़याम हक में फिर हक पसंद जो जहां हो वो आपका साथ देगा। तो हम जिन हालात में गुजर रहे हैं, हम जिन हालात में गुजर रहे हैं वहां आज 1391 हिजरी में भी हुसैन की जरूरत है और ये मौजजा है हुसैन का कि हुसैन इस तरह से जी रहे हैं। हम मुश्किलात में, हम मसाइब में, हम ये देख रहे हैं कि मुसलसल हमको हदफ बनाया जा रहा है लेकिन ऐसा महसूस होता है कि अगर हमारे पास कोई हादी न होता, अगर हमारे पास कोई दर्द से हकीकत न होता, अगर हमारे पास कोई रास्ता बतलाने वाला न होता तो शायद ये मायूसी हक बजानिब होती। मगर वो कौम क्यों मायूस रहे,
जिस कौम में हुसैन हो, आप समझ रहे हैं गुफ्तगू को मुख्तसर करते हुए और तमहीद को इस मकाम पर रोकते हुए कि मिल्लत इस्लामिया को नामैद होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मिल्लत ये आज़म कर ले कि हम नक्शे कफे पाए हुसैन पर जब हसाई करते हुए जज्बात फदवियत ईसार का हर कदम पर मुजाहरा करेंगे और चाहे कोई मुकाबले पर आ जाए तो इस दीवानवार कुर्बानी की कैफियत को देखकर खुद हमला करने वाली दुनिया हैरान हो जाती है कि किस तरह से इस पर हमला किया जाए और किस तरह से इसको निशाना बनाया जाए। ये असलहा और ये तमाम आलात जंग से थोड़ी सी तबीयत में हैबत पैदा होती है, इनका क्या जिक्र है। मैंने तो कभी कहा था कि अगर कोई एटम बॉम्ब हम पर इस्तेमाल करना चाहे और दुनिया की कोई बड़ी ताकत इस वक्त हिंदू मत का साथ देकर मुसलमानों को जेर करना चाहे और वो ये तय कर ले कि हम हाइड्रोजन बॉम्ब भी इस्तेमाल करेंगे, तो अगर आपके पास आजम है और अगर 12 करोड़ ये तय करते हैं कि जो कुछ हो जाए कुर्बानी देंगे, आए जो भी बला आए, तो इस क्याम से वो एटम बॉम्ब का इस्तेमाल करने वाले भी घबरा जाते हैं कि एक दो की मौत नहीं है, 12 करोड़ मिलकर मरना चाहते हैं। जश्न विलादत है और जश्न विलादत के सिलसिले में जाहिर है कि इजहार मसर्रत लाजिम है और इजहार मसर्रत का तरीका यह है कि हम कलमा गो हैं और बहसियत कलमा गो के हम ये समझ रहे हैं कि शऊन मोहम्मद जलवागर हैं जाते हुसैन इब्ने अली से। शऊन जमा है शान की, शऊन मोहम्मद जलवागर हैं जाते हुसैन इब्ने अली। और अगर मिल्लत को जरूरत है अपनी हिफाजत की और अगर मिल्लत मुसिर है अपनी मुदाफियत पर और अगर मिल्लत ये समझ रही है कि यकीनन शरारे बुलहेबी को बुझाना है और अगर मिल्लत ये समझ रही है कि उस रिस्क को हटा देना है कि जिस रिस्क से इंसान अपने परे परवाज में कमजोरी महसूस करता है, तो ऐसे मौके पर उसके लिए एक ही मिसाल है। इतनी तमहीद के बाद फिर कह रहा हूं कि कोई ऐसी मिसाल सलफ से खलफ तक, आदम से आज तक किसी दौर में कहीं पेश कर दे, सबका एहतराम मेरे दिल में, सबकी अजमत मेरे दिल में, सब रजी अल्लाह अनु, सब रजी अल्लाह अनु, मगर कोई है ऐसा जो एक खलील से लश्कर को लेकर यूं टकरा जाए और ये कहे कि तुम मेरी मौत को मौत न समझना, अब कयामत तक जीने के लिए आया हूं। चंद बार मैंने आज ऐसा अर्ज किया, सबका एहतराम है हमारे पास,
अगर एहतराम न करे तो इंसानियत अपना मकाम खो देती है। जिसको जो मकाम देना हो वो दो, जिसके लिए जो जगह है वो रखो, मगर एक मरतबा देखो तो कि ये खुसूसियत कि हर दौर में हर वक्त पर कोई काम आए, हर दौर में हर वक्त पर कोई काम आए कहां मिलती है, कहां मिलती है? फुतूहात के हंगामे सही, नज्म व नसक अपने कमाल पर सही, तारीख इस्लाम के वो औराक सही जहां यूनानी उलूम के तर्जमे अरबी में किए गए और अरबी से यूरोप को ये सारे तर्जमे भेजे गए। मंजूर, बनी उमैया का दौर आखिरी दौर अपने इल्म के लिए मशहूर सही, बनी अब्बास का दौर बड़ा अजीम दौर है मुसलमानों के लिए, इनकार नहीं, मगर आज जब मुसीबत पड़े तो बनी अब्बास को पुकारूं, बनी उमैया को पुकारूं, आकर किसको पुकारूं? देखा मेरी गुफ्तगू कब आप समझ गए ना कि ये क्यों मकाम फक्र मुबाहात है आपके लिए, ये क्यों मकाम नाज और इफ्तिखार है आपके लिए? फकत इसीलिए कि आप उसको पुकार रहे हैं जो फकत आपका नहीं है, आपका नहीं है, आप कहते हैं कि पूरी मिल्लत का है, तो इस वक्त अगर आप पुकार रहे हैं तो मिल्लत की तरफ से पुकार रहे हैं, मिल्लत की तरफ से पुकार रहे हैं, और अगर कोई है मिल्लत में कहीं जो इनकार कर दे कि नहीं हम नहीं पुकारते तो फिर कोई लाए, किसी को लाए, किसी को लाए कि ये सामने है, यह नमूना सामने, यह नमूना सामने है, और ऐसी मिसाल आपको कहीं नहीं मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगी। यह सच है, यह सच है कि मुसलसल 13 रजब के जलसों में नश्तर पार्क में यही कहा गया कि 65 की लड़ाई में बार बार अली 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 की आवाजें बुलंद थी, यह सच है, खुद मैंने भी कहा था, मगर मैं समझता हूं, मैं समझता हूं कि एक मंजिल वो भी आती है जहां बारगाह अलवी में अदब के साथ ये अर्ज करूं कि आपकी जिंदगी के बाद और 20 बरस गुजरते हैं जहां दुनिया एक और करवट लेती है, एक और करवट लेती है, और उस मंजिल पर जाहिर है कि आप ही का बेटा है, आप ही की आगोश का पला है, आप ही का नूर नजर है, आप ही का मेवा दिल है, मगर एक ऐसी राह अख्तियार करता है, एक ऐसी राह अख्तियार करता है जो जमल नहीं है, एक ऐसी राह अख्तियार करता है जो सिफीन नहीं है। मैं समझाऊं आपको, यानी वहां यह तय किया, वहां यह तय किया कि अब ये एक ही लड़ाई लड़ रहा हूं, मेरे बाबा को बहुत से मौके मिले, बद्र से लेके हुनैन तक जमाने हयात पैगंबर में और बाद हयात पैगंबर जमल से लेके नहरवान तक, तो इतनी लड़ाइयों के बाद जब कहीं जाके नहरवान में अलग कर सके कि ये मेरा या तेरा, Oh!
कहीं अलग हो सका, मगर इसके बावजूद फिर भी कुछ लोग थे, कुछ लोग थे जो पूरी तरह साथ न दे सके और आपको महरूम वापस आना पड़ा सिफेन की आने वाली लड़ाई को रोककर। और जब लोगों ने देखा कि पारहाए कुरान नौकहाए नैजा पर चढ़ा दिए गए हैं तो खुद लोगों ने कहा अब जंग रोक दीजिए, वरना नरवान की आखिरी लड़ाई के बाद तो ये समझ रहे थे कि अब तो मजमा छट गया, अब तो मजमा छट गया, अब तो खालिस हो गए। नहीं मेरे मौला, कमाल अदब के साथ आपकी बारगाह में अर्ज करूं कि फकत ये एक लड़ाई, एक लड़ाई, और ये तय करके चले थे कि अब इसमें गैर को आने ना दूंगा, गैर को आने ना दूंगा, और जिसको आने दूंगा उसको कयामत तक के लिए दुनिया सलाम करेगी और इस तरह से सलाम करेगी, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह व अलल अरवाह अल्लती हल्लत बिफना हुए। सलाम हो तुझ पर ऐ फर्जंद रसूल और उन रूहों पर जो तेरे आस्ताने पर तहलील हो चुकी है। यानी अब एक एक ऐसा है, एक एक ऐसा है जो मिसाल हबीब ज़ुहैर आबिस ने अभी शबीब शाकिरी मुस्लिम ने औसजाए असदी हूर अहबाब सारे नहीं, रास्ते से गुजरने वाला भी अगर सफर को रोक के इधर आया तो ऐसा कामिल बना कि इमाम जनम जमाना ने और इमाम आसर ने उस पर सलाम किया। देखा कि हुसैन इब्ने अली ने अपनी एक लड़ाई, एक लड़ाई ये तय करेंगे कि हम साजिशों को अलग करेंगे और अपने आदमियों को निखार कर पेश करेंगे, निखार करते जो मवाके अमीरुल मोमिनीन को नहीं मिल सके थे, नहीं मिल सके थे बावजूद इसके कि जंग तावील पर हो रही थी, बावजूद इसके कि बाद हयात रसूल जंग तावील कुरान पर हो रही थी, मगर वो मवाके नहीं मिले थे। हुसैन को वो मवाके थे कि साजिशों को अलग कर लो, साजिशों को अलग कर लो, खुले मैदान में आओ, खुले मैदान में आओ और ये जान के आओ कि मेरे साथ 72 हैं, डर जाऊं तो तारीख में फिर नाम न लेना, पीछे हट जाऊं तो मौर्रिख मेरा जिक्र न करे, किसी मकाम पे थक जाऊं तो मिल्लत मुझे याद न करे, और इस आज़म में राशिक के साथ हुसैन आए 72 को ले। और हैरत ये है कि दुनिया की सारी आबादी 70 करोड़ मुसलमानों से ज्यादा है, बल्कि और भी कुछ नहीं, क्या बात है, आज भी 72 नहीं निकल सकते। आज भी नहीं निकल सकते तो फिर उसके माना यही है, माना यही है कि जरूरत है कि निगाह बुलंद हो, इंसान पुरुमायद हो और अज़्मे राशिख के साथ उनको समझने की कोशिश करे ताकि कुर्बानी की मंजिल पर अब जो भी हो जाए, अब जो भी हो जाए ये तय हुसैन इब्ने अली जब कभी याद आएंगे इसी शाम से याद आएंगे, इसी शाम से याद आएंगे कि वो रहने के लिए आए हैं, वो रहने के लिए आए, करबला ने उनको मादूम व मफकूद नहीं किया, करबला ने उनको मौजूद बना दिया, मौजूद बना। मैंने एक आयत शुरू की थी, 2 दकीके और वो एक अजीब आयत है, उस सिलसिले में एक बात आप सुन लें
कि रावी ने अमीरुल मोमिनीन से अर्ज किया कि या अली, कुरान में कोई ऐसी आयत बताइए कि जहां आप ये समझें कि आपके फजाइल का कमाल है। ये एक अजीब गुफ्तगू है, बशर्ते कि आप महफूज रख सकें। रावी ने अमीरुल मोमिनीन से पूछा कि कोई ऐसी आयत की निशानदेही कीजिए कि जिसमें आपको यकीन हो कि आपके फजाइल का कमाल। आपने आए तथीर को नहीं पढ़ा, आपने आए मवद्दत नहीं पढ़ी, आपने आए मुबाहिला का तस्करा नहीं किया, आपने उलुल अरहाम वाली आयत नहीं पढ़ी, आपने जिहाद के सिलसिले में जो आयतें आई थी उनकी तिलावत नहीं की, जंगे अहजाब में जो आयतें आई थी उनको नहीं पढ़ा। आपने कहा एक आयत हमारे फजाइल में काफी, और वो ये कि यकूलुल्लज़ीन कफरू लस्ता मुरसला, काफिर ये कहते हैं कि तू मुरसल नहीं है। कुल, तू कह दे कफा बिल्लाहि शहीदा, अल्लाह गवाह है, वमन इंदहु इल्मुल किताब, और जिसके पास इल्म किताब। अमीर मोमिनीन के पास इस आयत की बड़ी अजमत है, और इस सिलसिले में काबिल गौर यह गुफ्तगू है कि इस आयत के सारे मुफस्सरीन ने यह लिखा कि यहां किताब से मुराद तौरात है, यहां किताब से मुराद इंजील, यहां किताब से मुराद यहूदी है। जो इल्म किताब रखते थे ने, वो लोग जो आसमानी सहीफों को जानते हैं वो गवाही देंगे कि तू नबी है। और अमीर मोमिनीन कहते हैं मेरी फजीलत है। तो किस्सा यह है कि यह है सूरह रअद की आखिरी आयत, यह है सूरह रअद की आखिरी आयत, कुल कफा बिल्लाही शहीदन बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब। और सूरह रअद है अलिफ लाम रा ग्रुप का सूरह, यानी आगाज कुरान में छह सूरे हैं जो अलिफ लाम रा या अलिफ लाम मीम रा से शुरू होते हैं, सूरह यूनुस से लेकर सूरह हिजर तक। यूनुस, हूद, यूसुफ, राद, इब्राहिम और ये आखिरी हिजर, ये सब सूरे अलिफ लाम रा या अलिफ लाम मीम रा से शुरू होते हैं। यह सूरा यूं शुरू होता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत गौर सुनिए, अलिफ लाम मीम रा तिलका आयातुल किताब, नाम से अल्लाह के जो रहमान और रहीम है, अलिफ लाम मीम रा ये हैं आयतें किताब की, अल किताब की आयतें ये हैं। वल्लज़ी उन्ज़िल इलैका मिन रब्बिकल हक, और जो कुछ तेरे रब के पास से नाजिल हुआ है वो हक है। वल्लाकिन्ना अक्सरुन्नास ला यूमिनून, लेकिन अक्सर इंसानियत ईमानदार नहीं है। यह सूरह रअद की पहली आयत है। पहली आयत का पहला टुकड़ा यह है अलिफ लाम मीम रा तिलका आयातुल किताब। आप मुसलसल मेरी मजलिसें सुनते हैं, आपको समझना चाहिए और याद रखना चाहिए, कुरान शुरू हो रहा है एक हुरूफ मुकत्तात के सिलसिले से, चार हर्फ हैं, अलिफ लाम मीम रा ये अल किताब की आयतें हैं। ये पहली आयत, आखिरी आयत है कुल कफा बिल्लाही शहीदन बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब। तो अगर आगाज कुरान में अल किताब तौरात नहीं है, अल किताब इंजील नहीं है,
زبور نہیں ہے تو اختتام سورہ پر کسی مفسر کو کیسے یہ حق پہنچتا ہے کہ الکتاب سے قرآن نہ مراد لے؟ چنانچہ امام فخر الدین رازی نے یہی بحث کی اور کہا کہ الکتاب یقیناً قرآن یقیناً قرآن. قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم، تمہارے اور میرے درمیان دو گواہ، دو گواہ، ایک اللہ دوسرے عالم کتاب. عالم کتاب، گفتگو ختم ہو رہی ہے اور میرے تمہید کو گویا اس آخری حصے سے مل جانا چاہیے. ایک اللہ، ایک عالم کتاب. کہتے ہیں کافر کہ تو مرسل نہیں ہے، پہلی ہجری میں کہتے رہے اور ہم گواہ تھے، دس ہجری میں کہتے رہے ہم گواہ تھے، پچاس ہجری میں کہیں گے ہم گواہ ہیں، 1391 میں بھی اگر کوئی اٹھ کے یہ کہے کہ محمد رسول نہیں ہے تو اس کے بھی دو گواہ، ایک خدا دوسرے عالم کتاب. خدا حی قیوم، ایک گواہ زندہ و باقی تو دوسرا گواہ کیوں مر جائے؟ قیوم، اور ہر دور میں کافر اعتراض کر سکتے ہیں کہ تو مرسل نہیں ہے، دو گواہ چاہیے، دو گواہ چاہیے، ایک حی قیوم، دوسرا کیوں نظر نہ آئے، دوسرا کیوں فنا ہو جائے، دوسرا کیوں معدوم سمجھا جائے، دوسرا کہاں ہے؟ یہ علماء ہیں، یہ مفسرین ہیں. کون ہے وہ عالم کتاب کہ جو گواہ بن، وہ جو گواہ بن؟ تو پتا چلا کہ ختمی مرتبت کو بھی اس کا علم تھا کہ یہ اہم ترین آیت ہے فضائل آل محمد میں، میری رسالت پر دو گواہ ہر دور میں لازم ہے، ہر دور میں لازم ہے. تو اب خدا، یہ بہت غور سے سنیے، ذات واجب کے لیے امام صادق فرماتے ہیں اور امیر المومنین کہتے ہیں ان اللہ تبارک و تعالی تجلی لعبادہ فی القرآن، اللہ نے جو صاحب برکت و جلال ہے تجلی کی اپنے بندوں کے لیے قرآن. تو اللہ کا جلوہ قرآن، اللہ کا جلوہ قرآن، یعنی خدا نظر نہ آئے، قرآن تو ہے، یعنی پیغمبر کی رسالت پر ایک گواہ، یہ جلوہ معبود یعنی قرآن. اب یہ قرآن کو تنہا پیغمبر کیسے چھوڑ دے جب تک کہ یہ نہ کہتے انی تارک انفی کو مستقل ہے؟ سقلین کی حدیث پر ان کو ضد اس واسطے ہے، ضد اس واسطے کہ محبت ہے اس گھرانے سے، نہیں، ضد اس واسطے ہے کہ رسول کی رسالت انہی سے باقی ہے. یہ سقلین ہے، یہ کتاب ہے اور یہ عطرت، اور عطرت جب کبھی کسی مقام پر اپنا مظہر پیدا کرے، عطرت جب کسی مقام پر اپنا جلوہ پیدا کرے، جب عطرت کسی مقام پر ظہور میں آئے، تو اس کا وہ ظہور میں آنا یا من السیء شہود پر آنا
दुनिया के लिए बाई से हैरानी न हो, बाई से हैरानी न हो, इस वास्ते कि रिसालत पर गवाह खुदा या आलिम किताब। खुदा ने जलवा किया कुरान में और आलिम किताब इतरत, इसलिए दो का रहना हर दौर में लाजिम जरूरी, हर दौर में जरूरी। और इस एतबार से, इस एतबार से अगर वो इतरत के जिनके अफराद ये हों, ये हों जिनमें से एक हुसैन भी हो, मैं समझा नहीं सका आपको, दूसरा जुमला यानी वो इतरत जिसकी सथा हुसैन हो, वो इतरत जिसकी सथा हुसैन हो, तो उस इतरत से बिगड़े हुए काम बनेंगे, उस इतरत से दुनिया अपने आप को करीब करे, इसलिए कि वही इतरत इस वक्त हामिल किताब भी है, आलिम किताब भी है, रसूल की रिसालत पर गवाह भी है। तखीर जाहिर है खत्म हुई, और मैं ने जिस मंजिल पर आपको पहुंचाया फकत इस वास्ते कि मेरी परसों आने वाली तकरीर हफ्ते के रोज हुसैनिया सज्जादिया में शायद यहीं से फिर शुरू हो, इसलिए मैं चाहता हूं कि ये आप ये पेश नजर रहे कि हम एक अहम बहस को छेड़वाए। हुआ क्या? हुआ ये कि इस्लाम ही में कुछ ऐसे अफकार परवरिश पाए, बहुत गौर से मुझे सुनिए, इस्लाम ही में कुछ ऐसे अफकार परवरिश पाए जिन्होंने इस्लाम को छोड़ा, सलाम को छोड़ा, यानी जो कुछ गुजर रही है हम पर या कोई जो कुछ गुजर चुका है वाकया उसको बतला, सब पहले सलाम को छोड़ा, कहा सलाम अलैकुम की जरूरत नहीं, कुरान को छोड़ा नहीं, कुरान की तौहीन, मस्जिदों को छोड़ा, अपने कल्चर को छोड़ा, अपने तमद्दुन को छोड़ा, अपने उलमा की तौहीन के मुस्लिम कुशी पर आमादा हो गए, यही हुआ ना? क्यों हुआ, क्यों हुआ? फकत इसीलिए हुआ कि ये गुमराह होने वाले रसूल शनास न थे। ये रसूल शनास न थे, इनकी बुनियादों में रसूल की मारिफत न थी। ये आज मशरकी पाकिस्तान की तबाही की जिम्मेदारी अदम मारिफत रसूल पर है, अदम मारिफत रसूल पर है कि इनको किसी ने समझाया ही नहीं कि रसूल क्या होता है। इन्होंने कहा कि हमको सलाम की, हमको ये तरीके इस्लाम के पसंद, मस्जिदों में नहीं जाते हम, कुरान की तौहीन करते हम, बिरादर कुशी करते हम, नस्ल कुशी करते हम, जिंदगियों को तबाह करते हम, किसको, अग्यार को नहीं, मुसलमान को। तो क्या बात, गलती क्या हुई थी, गलती क्या हुई थी? क्या कहीं से उनको यही इसका इल्म था, इसका इल्म था कि कहीं से ऐसा करने पर उनको करोड़ों करोड़ों की दौलत मिल जाएगी? क्या ये था कि उनकी जमीन जो खुद उनकी जमीन है वो तकरीबन एक ही घर को मिलेगी या चंद घरों को मिल जाएगी और सबका हिस्सा उसमें नहीं होगा? आखिर वो कौन सी दौलत उनके हाथ आने वाली थी जिसकी बिना पर उन्होंने ये सारा हंगामा किया? कुछ कुछ नहीं, सिर्फ जहालत, जहालत से आगे बढ़ के जाहिलियत,
जाहिलियत और जाहिलियत रसूल नाशनासी, रसूल को नहीं पहचान। तो ये रसूल नाशनासी मशरिक में हो या मगरिब में, जहां कहीं पैदा होगी वहां मुसलमान फिर मुसलमान की इज्जत का ख्याल नहीं करेगा। रसूल नाशनासी, करबला का कत्लेआम रसूल नाशनासी, खेमों का जलाया जाना रसूल नाशनासी, अहले बैत का दर बदर फिरना रसूल नाशनासी, जहां रसूल नाशनासी मिल्लत में पैदा होती है वो मशरिक हो या मगरिब। आप समझे, नतीजा यही होता है कि इंसान जुल्म पर उतर आता है। इसलिए अगर दुरुस्त करना है किसी को तो फकत कुरान पढ़ाना ही काफी नहीं होगा। कुरान पढ़ाना ही काफी नहीं होगा, बल्कि बतलाना पड़ेगा एक एक को समझाकर, और अगर न समझे तो इनकी दो दो पुश्तों तक रोक के इनको समझाना पड़ेगा कि सखलाइन के बगैर जिंदगी मुश्किल। बस मैंने इशारा नहीं किया, मैंने हकीकतें आपके सामने रखी। यहां अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी बड़ी हद तक इतरत से आगाही है। जहां की बातें कर रहा हूं वहां इतरत एक तरफ, दुनिया रसूल को भी नहीं पहचानती, रसूल को भी नहीं पहचानती थी, तो वहां सिर्फ कुरान मजीद की आयतों को याद दिलाना काफी नहीं होगा, उनके सामने तो नमूने पेश करने पड़ेंगे और यह बतलाना पड़ेगा कि देखो रसूल की रिसालत की बका और रसूल के रिसालत की शहादत के लिए फकत किताब ही नहीं आलिम किताब भी चाहिए, और अगर किताब कयामत तक बाकी है तो आलिम किताब का भी कयामत तक बाकी रहना जरूरी है, और ये दोनों आएंगे मेरे पास जब मैं कौसर पे रहूंगा, या शिकायत लेके आएंगे या तारीफ करते हुए आएंगे कि अल्लाह के रसूल इस उम्मत ने यह किया। हुसैन हुसैन हमारा वाहिद सहारा, हुसैन हमारी जिंदगी के लिए असास है, हुसैन हमारी रूह की कद्र कीमत है, हुसैन हको सदाकत का मीजान है, हुसैन जिस दिल में है वो बाईमान है, हुसैन जिस घर में है वो रोशन, हुसैन जिस खानदान में है वो मजबूत है, हुसैन जिस तबके में है वो बाकुवत है, हुसैन जहां कहीं रहें अपने अज़्म को मनवाते जाएं, अपने इरादे को मनवाते जाएं। इसलिए अजीजो ये नहीं कहता के शिया बनो, हरगिज न बनो, हनफी रहो, शाफ़ई रहो, मालिकी रहो, हम्बली रहो, मगर इन सब के साथ हुसैनी रहो। हुसैनी रहो ताकि आहिस्ता आहिस्ता एक मर्तबा जब हुसैन दिल में उतर जाएंगे तो खुद ब खुद पर्दे उठते जाएंगे।
पढ़ते उठते जाएंगे नेक और बद की तमीज होती जाएगी, तुम पहचानते जाओगे कि कौन कहाँ है कौन कहाँ। इसलिए हुसैनी बनो, फिका पे गुफ्तगू नहीं है ये हाथ खोलना है या बांधना है, ये गुफ्तगू नहीं है कि कुनूत पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे, ये गुफ्तगू नहीं है कि ताके शफा होगी कि नहीं होगी, ये गुफ्तगू नहीं है कि नमाज जनाजा में चार तकबीरें होंगी या पांच तकबीरें होंगी, ये गुफ्तगू नहीं है कि आदाब तहारत क्या होंगे। गुफ्तगू दिल से है, दिल से, दिल को चीर के देखो। हुसैन उतर सकते हैं, हुसैन उतर सकते हैं, आ सकते हैं अगर हुसैन, आ सकते हैं अगर हुसैन, तो फिर इस्तकबाल करो हुसैन का, हुसैन का इस्तकबाल कबूल करो हुसैन, ले लो हुसैन ताकि हयात ताजा पाओ, ताकि एक नई जिंदगी मिले, ताकि एक कुव्वत रूह पैदा हो। मुझे तबलीग की मंजिलों से आपको गुजारना नहीं है, मैं तो वक्त की जरूरत पे बातें कर रहा हूं। अगर आज भी मुसलमान हुसैनी नहीं बनता तो वो जो गुजर गया वो तो गुजर गया, आने वाले जमाने की खबर फिर खुदा जाने, आने वाले जमाने की खबर खुदा जाने। काश अरब हुसैनी बने, शिकवा शिकायत इसराइल की भेजा है। अरे अतराफ अरब ममालिक में घिरा हुआ इसराइल क्या कर लेता अगर ये सब हुसैनी होते। मगर किस्सा यही था, किस्सा यही था कि हमने तो उसको बना दिया फसाना और यहां खुदा ने हमको बना दिया फसाना। वो जालना हम अहादीस व मज़्ज़कना हम कुल्ला मुमज़्ज़किन सूरह सबा, हमने इनकी बेहूदगियों की बिना पे इनको कहानियां बना दी और इनके टुकड़े टुकड़े कर डाले। जानना हूं महादीप वो मज्जक ना हूं कुल्ला मुमज्जक, हमने इनके टुकड़े टुकड़े कर दिए। क्यों क्यों? इसलिए कि इन्होंने हक से उदूल किया, हक से उदूल किया। कोई हबीब हो, कोई जुहैर पैदा हो, कोई इस तरह से आए, कोई इस तरह से आए कि जहां दुनिया ये समझे कि वाकई ये हैं वो कि जिनके दिल में हुसैन उतर चुके हैं, जिनके दिल में हुसैन उतर चुके हैं। बच्चा हो, जवान हो, जईफ हो, कोई खातून हो, जईफा हो, अगर ये सबके सब मिलके तय करें कि इस जश्न विलादत के मौके पर एक मरतबा फिर अर्ज करेंगे कि हमको हुसैनी बन के जीना, हुसैनी बन के जीना, कहीं रहो किसी हाल में रहो, सरमायादार रहो या गरीब रहो, मजबूर रहो या अमीर रहो, हुसैनी रहो, ताकि वक्त आए तो फिर जो कदम आगे बढ़े वो पीछे ना आए। जहमत दी, तीसरी शाबान की रात है, फरजंदे रसूल उस सकलैन की विलादत का जश्न, और
हमारे दिल हैरान हैं, परेशान हैं, अपने भाइयों के लिए दुखे हुए हैं। इसलिए हम उसी वास्ते से, उसी हुसैनियत के तवस्सुत से, उसी मजलूम के तवस्सुल बारगाह अहदियत में दस्त बदुआ है कि परवरदिगार हमारी कोताहियों को न देख, अगर हम में से कुछ हुसैनी न बन सके तो परवरदिगार कोई ऐसी बात हो जाए कि इनके दिलों में दर्द पैदा हो और वो दर्द हुसैन की आवाज को कबूल करे, मिल्लत मुत्तहिद हो, ममलिकत मुस्तहकम हो, पाकिस्तान की हिफाजत हो और दुनिया की निगाहों में मुसलमान कवि और ताकतवर बन के जिए। तीन मर्तबा नारे दुरूद।